Students, we have studied theoretically what is a multilinear regression, and now we are going to do the exercise on SPSS software. हम देखेंगे उसमें कि हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सी अजम्पशंस हमने उसमें फुलफिल करनी है और रिजल्ट्स को हमने कैसे इंटरप्रेट करना है. तो आइए देखते हैं कि हम SPSS में ये एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक SPSS का डेटा सेट ओपन है. यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो मैं इसमें आपको रिग्रेशन एनालिसिस रन करने से पहले, यानी एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे और लीनियर में जाएंगे, तो एनालिसिस रन करने से पहले इसके मेथड का बता दूँ कि SPSS में जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन होती है उसके मल्टीपल मेथड्स भी हैं, जैसे एंटर है, स्टेप वाइज है, रिमूव और बैकवर्ड है और फॉरवर्ड मेथड है. तो हम इनको वन बाय वन हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे कि भी किस मेथड के को जब हम फॉलो करते हैं तो उससे हमें क्या जो है पता चलता है. तो हम यहाँ पे हाइपोथेसाइज करते हैं कि हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल है. अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो मोटिवेशंस टू यूज सोशल मीडिया, ये जो पांच छह वेरिएबल्स हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है विद ऑफलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल. और यहाँ पर मैं अपना मेथड क्या रखूँगा, एंटर ही रखूँगा, क्योंकि इस मेथड में आप जो है ये सपोज नहीं कर रहे कि भी आपका कौन सा वेरिएबल है जो इससे ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वेरिएबल जो है वो लेस स्ट्रांग है. आपको ये आपने हाइपोथेसाइज नहीं किया और आपको सिंपली ये पता है कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द वेरिएंस ऑफ ऑनलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल. तो इस मेथड एंटर मेथड में क्या होगा कि जब आप आर स्क्वायर देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन बन के आएगी और नीचे कोफिशिएंट्स भी जो है वो एक ही इक्वेशन के बन के आएंगे. स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे हम, अब एस्टिमेट के साथ मॉडल फिट, कोलिनैरिटी डायग्नोस्टिक्स, डर्बन वाटसन, और इसके साथ हम प्लॉट्स में जाएंगे. एक्स पे हम जेड प्रिडिक्टेड और वाई पे हम जो है जेड रेजिड्यूल और नॉर्मेलिटी प्रोबेबिलिटी प्लॉट कंटिन्यू कर देंगे और इन ऑप्शंस के साथ हम इसको ओके कर देते हैं. जब आप इसको ओके करेंगे तो आउटपुट व्यू में आपके पास पहले जो वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर मॉडल समरी आ जाएगी, अनोवा का टेबल आ जाएगा और उसके बाद कोफिशिएंट्स. हम इन टेबल्स को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन है वो उसका क्या रिजल्ट है. तो हमारे पास ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की जो है वो लाइन जो है लीनियर ही है, तो वो अजम्पशन हमारी मल्टी नॉर्मेलिटी की फुलफिल होती है. इसके साथ हम देखते हैं कि ये भी जो है हमारा होमोसिडासिटी की अजम्पशन भी फुलफिल होती है. ये सारा डाटा जो है वो सेंटर्ड है इन अ स्कैटर प्लॉट. इसके बाद हम देखते हैं कोलिनैरिटी डायग्नोस्टिक. तो कोलिनैरिटी डायग्नोस्टिक में हम VIF की वैल्यूज़ देखें तो ये सारी जो है दो के आसपास है, 10 से बहुत छोटी है. टॉलरेंस में देखें तो टॉलरेंस में हमें नज़र आता है कि ये वैल्यूज़ जो है 0.10 से बहुत ज़्यादा बड़ी है. तो ये दोनों तरीक़ों से हमने देख लिया कि मल्टी कोलिनैरिटी नहीं है. और इसके साथ वो जो हमारी डर्बन वाटसन की भी जो वैल्यू है ये नियर बाय 2 है, तो ऑटो कोरिलेशन भी नहीं है हमारे डाटा सेट में. जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंटर मेथड में आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बन के आएगी, तो वो यानी यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल 1, तो इसका मतलब है हमने एक ही इक्वेशन बनाई है. तो आर स्केयर हमारा क्या है, 0.167, और यहाँ पे एडजस्ट करके विद स्टैंडर्ड एस्टिमेट ये है 0.163, यानी ये सारे वेरिएबल्स जो मिलकर 16.3% जो है वो वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं ऑफलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल का.
ये मॉडल थेरेटिकली जो हमने एज्यूम किया है ये एम्पेरिकली करेक्ट है, अनोवा का जो वैल्यू है एफ वैल्यू वो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉफिशेंट्स की तो हमें पता चलता है कि इस केस में रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है ये दोनों वेरिएबल्स। मीन्स टू से दैट ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है वो सेल्फ एक्सप्रेशन है ऑनलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल पे, और उसके बाद आपका मेकिंग न्यू सोशल टाइज एंड सीकिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये जो है आपके मेन वेरिएबल्स हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके वेरिएंस ऑफ ऑफलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल। तो ये एक मेथड है रेग्रेशन रन करने का, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन रन करने का। और इसमें आपको जो है जब मॉडल समरी आती है तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा प्रेडिक्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा प्रेडिक्टर इनसिग्निफिकेंट है। इसके लिए आपको फिर नीचे जाके देखना पड़ता है और उसको चेक करना पड़ता है। हम आगे जो मेथड्स देखेंगे उसमें हमें जो दूसरे मेथड्स के साथ करेंगे MLR तो उसमें ये चीज़ जो है पहले से ही असेस कर सकते हैं कि उसमें जो है ज़्यादा रिग्रेशन लाइंस बन के आएंगी, ज़्यादा मॉडल्स बन के आएंगे। तो हम अगले मॉड्यूल में उसके ऊपर बात करेंगे।